सरकार ने तीसरी कोरोना को लहर को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन पूर्व में जारी किया गया था, उसी गाइडलाइन को 6 फरवरी तक विस्तारित कर दिया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि जितने भी होटल हैं वो 50% कैपेसिटी पर चलेंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर सरकारी ऑफिस जितने भी हैं वो 50% पर कार्य करेंगे। इसके अलावा वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। सड़क एवं मार्गों पर बारात के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह में डीजे का प्रयोग 100% प्रतिबंधित रहेगा। विवाह कार्यक्रम में के संबंध में स्थानीय थाना को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देना होगा। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक के सभी आगंतुकों को फेस को कवर करते हुए फेस मास्क लगाना होगा। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। 2 गज की दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसको अनुपालन सभी लोगों को करना होगा। और रात्रि में जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगी। वाहन पर उतने ही पैसेंजर बैठ सकेंगे जितना सीट है, तो जो पुरानी गाइडलाइन है उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। मैरिज हॉल का क्या सर, मैरिज हॉल खुला रहेगा अगर 50 लोग आते हैं? आज निश्चित रूप से वो अनुमति प्राप्त करेंगे और 50 लोगों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। तो